नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। बिहार के शराबबंदी कानून को सरकारी कर्मी चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला है बगहा का। अनुमंडल के रामनगर अंचल में लिपिक पद पर तैनात पंकज कुमार को गुरुवार को रात्रि 22 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लिपिक शराब के नशे में था। धनहा थाने की पुलिस ने जब उसकी क्रेटा कार को रोक कर पूछताछ की तो उसने खुद को सरकारी कर्मी बताकर पुलिस अधिकारियों पर ही रुआब दिखाना शुरू कर दिया। पुलिस ने सख्ती दिखाई और गाड़ी की जांच की तो 22 बोतल अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद की। बता दें, गुरुवार के रात्रि थनहा थाने के पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी। इस क्रम में एक कार आती दिखी जिसे पुलिस कर्मियों ने रोका और जांच की बात कही। इस क्रम में खुद को रामनगर अंचल के कर्मी बताने वाला युवक वाहन से नीचे उतरा और जांच नहीं कराने पर अड़ गया। पुलिस ने सख्ती दिखाई और कार की तलाशी ली जिसमें शराब बरामद की गई। बताया जा रहा है कि कर्मी घर पर किसी पार्टी के लिए शराब की खेप ले जा रहा था। गिरफ्तार लिपिक पंकज इससे पूर्व मधुबनी प्रखंड के नाजिर पद पर सेवा दे चुका है। प्रभारी थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर शुक्रवार को गिरफ्तार कर्मी को जेल भेज दिया गया।